जो हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। और अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द इन्फिनिटी लैडर शोन इन द फिगर। तो बच्चों ये कैपेसिटेंस का सीक्वेंस इन्फिनिटी तक चलता है, तो हमें इस लैडर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बच्चों मैंने कंसीडर किया कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी वन है। सो लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बी सी वन। बच्चों जहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सेल्स का अरेंजमेंट है ये इन्फिनिटी तक लगा हुआ है। हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपका ये इस तरह का अरेंजमेंट जो है आपका वो इन्फिनिटी तक लगा हुआ है। तो बच्चों अगर इस अरेंजमेंट में से एक या दो सेल कम भी हो जाएं तब भी इसके कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों मैंने ये दो पॉइंट पी एंड क्यू कंसीडर किए, और अगर मैं इन पॉइंट पी और क्यू से पहले जो आपका ये दो कैपेसिटर का सीक्वेंस है यानी जो कैपेसिटर है इनको मैं हटा भी दूं तब भी पी और क्यू के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो वही रहने वाला है जो ए और बी के बीच में है। यानी आपने एक सेल कम कर भी दी तब भी इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दे आर द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन दिस अरेंजमेंट। तो अब हम इस सर्किट को कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। यानी ये जो पी और क्यू से आगे जो इन्फिनिटी लैडर है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी वन है और वो आपका जहाँ पर आपने कंसीडर किया है यानी पी और क्यू पॉइंट पर ये सी वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर आपने कंसीडर किया है, और ए और बी के बीच में आपने कंसीडर किया है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी सी वन है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपका सी कैपेसिटेंस का और सी वन कैपेसिटेंस के जो दो कैपेसिटर हैं ये आपके सीरीज में जुड़े हैं, और उस कॉम्बिनेशन के साथ में ये सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा है, और फाइनली जो आपकी कैपेसिटेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में वो सी वन है। तो हम कंसीडर करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू कैपेसिटर भी सी टू, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं तो हमने लिखा है इसको वन अपॉन सी टू दैट इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी वन। सो फ्रॉम हेयर वन अपॉन सी टू इक्वल टू दिस इज द सी वन प्लस सी दैट इज द सी वन इंटू सी। सो फ्रॉम हेयर दिस सी टू इक्वल टू बेसिकली दिस इज द सी वन सी। सो दिस सी टू इक्वल टू सी वन सी अपॉन सी वन प्लस सी। अब बच्चों ये सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर इन दोनों कैपेसिटर्स के साथ में पैरेलल में जोड़ा है, और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब आपकी सी वन के बराबर होगी। सो दिस सी वन इक्वल टू सी प्लस सी टू। सो फ्रॉम हेयर दिस सी वन इक्वल टू सी प्लस सी वन सी अपॉन सी वन प्लस सी। और हम इसको सिंप्लीफाई करके सी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो फ्रॉम हेयर सी वन इक्वल टू सी सी वन प्लस सी वन सी अपॉन सी वन प्लस सी। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो जहाँ पर जो मुझे सिंप्लीफाई करके आएगा दैट इज द सी वन सी प्लस सी वन स्क्वायर दैट इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टू सी सी वन। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो मेरे पास आएगा रिजल्ट दैट इज द सी वन स्क्वायर माइनस सी सी वन माइनस सी स्क्वायर सो दैट इक्वल टू जीरो। और बच्चों मैं सी वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं दैट इज द माइनस बी। सो सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन सी स्क्वायर एंड माइनस फोर ए सी। सो फ्रॉम हेयर दिस इज द प्लस फोर
सी स्क्वायर अपॉन टू. सो फ्रॉम हेयर दिस सी वन इक्वल टू सी प्लस माइनस अंडर रूट 5 सी स्क्वायर अपॉन टू. बच्चों कैपेसिटेंस आपकी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन को छोड़ना होगा. सो फ्रॉम हेयर सी वन इक्वल टू सी प्लस सी अंडर रूट 5 अपॉन टू. सो दिस इज योर आंसर.